नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। हरियाणा के अधिकतर जिलों का दौरा करने के बाद बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अब एक बार फिर से मंथन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मिशन 2024 की रणनीति को सिरे चढ़ाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देव से चर्चा करने के बाद नायब सैनी ने 24 नवंबर को पंचकुला में पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में बीजेपी के सभी नीति निर्धारक और रणनीतिकार शामिल होंगे, जो मिशन 2024 को गति देने के साथ ही एकजुट होकर तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी की यह बैठक 24 नवंबर को पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सीएम मनोहर लाल और पार्टी प्रभारी बिप्लब कुमार देव भी शामिल होंगे। इसी पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को पंचकुला में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव लड़ चुके जिला अध्यक्ष और बड़े नेता शिरकत करेंगे। इस दौरान संगठन की तरफ से नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। नए अध्यक्ष जो दिशा इस बैठक में देंगे उसी पर सभी को काम करना होगा। जाहिर है जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हरियाणा विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है और बीजेपी किसी भी कीमत पर अपनी सीटें गंवाना नहीं चाहती। इसके चलते अब रणनीतियां बनानी भी शुरू हो गई है। इसमें सभी जीते हारे सभी विधायक मंत्री पूर्व में जो लड़े हैं, संगठन के पदकारी जिला सभी लोग इसमें लाए हैं और संगठन के जो भी दायित्व होगा उसकी जिम्मेदारी तय होंगी और उसको जो अध्यक्ष जी नए बने हैं और जो भी संगठन दिशा देगा उस पर सब काम करेंगे। 28 को सर मंत्रिमंडल की जो बैठक है, ऐसी चर्चा है कि शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान होगा, और क्या कुछ खास कर सकते हैं? हाँ, कैबिनेट की 28 तारीख को मीटिंग है, उसमें जो भी कैबिनेट में जो एजेंडा होगा ये तो जानकारी नहीं क्या होगा, उस समय जो भी होगा इस तरह के जो आपने शीतकालीन है इसकी भी ये भी एजेंडा हो सकता है और भी प्रदेश के हित में एजेंडा होते हैं जो कैबिनेट रखे जाते हैं, तो सब समय पे जानकारी मिलेगी जो भी रहे। देखो, आज 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इससे 9 साल पुराना फरीदाबाद देखिए, 9 साल पुराना। आज कहने जाए तो गूगल से देखो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। आप तो एक ही जानकारी मिल जाएंगी, कोई इस तरह का कोई पुल है या रोड है, ये सारी जानकारी मिलेंगी। आज फरीदाबाद में दर्जन भर फ्लाईओवर बने हैं, आप बदरपुर से देखिए होडल तक दर्जन भर रेलवे फ्लाईओवर बने हैं। तो आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और चुनावी रणनीति बनाने में बीजेपी लगातार जो है अपनी जान फूंक रही है और रणनीति बनानी शुरू भी कर दी है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को पंचकुला में एक अहम बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नायब सैनी ने पहले प्रदेश का दौरा किया, उसके बाद इस बैठक को बुलाया है और इस बैठक में तमाम जो नेता प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ जो पहले सीटें हार चुके हैं, सीटें हारे हुए जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, ताकि उनसे भी ये समझा जा सके कि आखिर क्या कारण रहा कि वो सीटें नहीं आई है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं जब शामिल होंगे तो आगे 24 के लिए ये रणनीति बनाई जाएगी और 24 की तैयारियां इसलिए भी शुरू अभी से कर दी गई है क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव भी है और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से तैयारियां जो है बीजेपी की वो महत्वपूर्ण होंगी। चले तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भूपेंद्र गहलावत जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो से और इसी के साथ राकेश झा साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है मसला में। सबसे पहले शुरुआत भूपेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी ने समय रहते ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है और बीजेपी तो ये कहती है कि हम तो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं और अब जब ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तो 24 नवंबर को होने वाली बैठक में क्या खास रहने वाला है, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और जितने मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उनको और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फिर जो आपने सवाल किया मैं उस पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है तो उससे अगले दिन ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि जब पार्टी जीतने के बाद जितनी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, हर महीने हर दो महीने में कोई ना कोई कल्याणकारी योजनाएं लेकर के और जनता के बीच में आती है। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है सबसे पहले तो हमने काम किया कि हमने ट्रांसफर को ऑनलाइन करने का काम किया। दूसरी पार्टियों के जो लोग पैसे लेकर के खर्ची पर्ची लेकर ट्रांसफर करते थे, हमने पूरी पारदर्शिता से ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात की। उसके बाद हमने जो नौकरियां थी उनमें से इंटू हटाने का काम कर दिया और जो मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता के बगैर क्षेत्र के भेदभाव के बगैर जाति के भेदभाव के मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता से नौकरी देने का हमने काम किया। जो खर्ची पर्ची चलती थी उसको बंद करने का काम हमने किया। किस तरह से दूसरी सरकारों में कितनी लिस्टें कैंसिल हो गई, माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी, ये सब लोगों के सामने है। जब से हमारी सरकार आई, हम देखिए, जब पहले पीले कार्ड बनते थे तो 15,000-15,000 रुपए लेके बिचौलिए जिसके सिफारिश नेता कर देते थे उसका बन जाता था, या जो पैसे देते थे उसका बन जाता था, जो गरीब लोग थे वो नहीं बनवा पाते थे। हमने पोर्टल के माध्यम से सिर्फ जिसने अपनी फैमिली आईडी डाल दी उसका पोर्टल पर बनकर उसके घर जा रहा है, ना कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत है और ना कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है। ठीक है, वो इसी तरह से आपके पास, ठीक है, स्टार्टिंग कमेंट सभी का हो जाए, उसके बाद एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी तो ये साफ कह रही है, भूपेंद्र जी अपनी तमाम योजनाओं को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ऐसा काम किया है कि घर बैठे एक ही छत के नीचे जो तमाम योजना के लाभार्थी हैं उनको लाभ मिल रहा है। ऐसे में तैयारियां उन्होंने भी शुरू कर दी है, 24 का मंथन भी शुरू कर दिया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं 24 को और 24 के मंथन में किस तरीके से कांग्रेस अभी आगे है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए अभी 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उससे एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और आप देखेंगे इससे पहले भी कर्नाटक हो चाहे हिमाचल प्रदेश, मेरी आवाज इको हो कर आ रही है, एक बार पहले PCR से ये ठीक करवा दें। ठीक है, तकनीकी खामियों को दूर करेंगे, तब तक आप अपनी बात रखें। जी ठीक है, आवाज आ रही है मेरी मुस्कान जी? आवाज आ रही। टीना जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। बताना चाहती हूँ कि 2015 के अंदर रेवाड़ी में सीएम साहब ने घोषणा की कि हम एम्स बनाएंगे और आज कौन सा ईयर चल रहा है, क्या मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, अब 2023 चल रहा है, क्या एम्स की एक भी ईंट लगी? इसके पास जवाब है, जवाब है ना, नहीं, कोई ईंट वीट नहीं लगी अब तक, कुछ उस पे कोई शिलान्यास नहीं हुआ है, कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तो ये जनता को झूठ बोलने का बरगलाने का काम ना करे। देखिए हम बार बार कहते हैं कि इनके इनको दो बार पूरी तरीके से, जैसे पूर्ण बहुमत से इनकी इनकी सरकार बन चुकी है हरियाणा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जनता को देने का क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। इवन आप हरियाणा प्रदेश की बात की, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में जो कर्ज चढ़ रहा है, हम ये सोच रहे हैं जब हम सरकार में आएंगे तो इस कर्ज से कैसे निपटारा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और आप देखेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की है, तो कहते हैं जब हम लोग किसी भी प्रकार की कोई कल्याणकारी योजना देते हैं, चाहे वो 500 का सिलेंडर हो या फिर 2,000 रुपए जैसे कर्नाटक में हमने महिलाओं के खातों में डालने का जो काम किया है, यदि हम वो हरियाणा के अंदर करते तो ये कहेंगे कि वैसे इस पे तो इस प्रदेश के ऊपर कर्ज चढ़ रहा है तो आप इसे कैसे पूरा करेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जहां जहां हमने गारंटीज देने का काम किया है वहां हमने उन गारंटीज को पूरा करने का भी काम किया है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही है हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद भी इस प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज क्यों है, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी बाजी बनता है, अभी पर्ची खर्ची बहुत बोलते हैं, पर्ची खर्ची पर्ची खर्ची। मेरा सवाल यहाँ ये है कि हरियाणा प्रदेश की पिछले 9.5 साल तक लगातार सरकार रही है, कितने लोगों को इन्होंने नौकरी पर दिया, और वो भी स्थायी नौकरी की बात कर रही हूँ मैं, DC रेट और जो कौशल निगम के तहत जो कच्ची भर्तियां कर रहे हैं, अस्थायी नौकरी दे रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी भूपेंद्र जी से, उससे पहले ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए दोनों ही पार्टियां कह रही है कि हमने तो चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है, अब इनेलो
किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है और कभी खुद को कहां मान रही है, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि दोनों पार्टियां चुनावी तैयारियां शुरू कर चुकी है और टीना जी तो साफ कह रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पर्ची खर्ची का जो जिक्र करते हैं वो अभी तक हुआ नहीं है, नौकरियां दी नहीं गई है। मुस्कान जी, किस लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को कामयाबी के लिए तीन मुख्य बिंदुओं में से गुजरना पड़ता है। पहला, एक मजबूत संगठन जो हमारे पास है। कांग्रेस का पिछले 9 वर्ष में संगठन ही नहीं तैयार हो पाया, ना इनके हल्का अध्यक्ष ना इनके जिला अध्यक्ष, हर बार कहते हैं बनेगा लेकिन बना नहीं। और जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो कहते हैं हमारे 5 लाख पन्ना प्रमुख है। अब 5 लाख पन्ना प्रमुख कहना तो आसान है, इस बार जनता इनके पन्ने पाड़ेगी जो इनकी पोजीशन है। दूसरी स्थिति है जनता की विश्वसनीयता। देखिए, बीजेपी सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इन्होंने जो जनता पर बार बार प्रयोग किए, कभी किसानों पर प्रयोग किया, 3 कृषि बिल लेके आए, कभी परिवार पहचान पत्र बनाया, जनता पर प्रयोग किया, कभी प्रॉपर्टी आईडी बनाई, ये सभी संपत्ति धारकों पर प्रयोग किया। आज प्रदेश का बच्चा बच्चा, नौजवान नौजवान सब परेशान है, कारण कि हर एक काम में इन्होंने कह दिया पोर्टल पोर्टल। अच्छी बात है, बनाइए पोर्टल, लेकिन उन पोर्टल को बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए कम से कम स्वच्छ सक्षम कर्मचारी भी तो होने चाहिए। कर्मचारियों को तो पता नहीं, 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए वाले सक्षम रोजगार वाले कार्यकर्ता, सक्षम रोजगार वाले एम्प्लाई और कौशल रोजगार निगम 12 हजार वाले एम्प्लाई एक कंप्यूटर को चला रहे हैं जिनको अपनी नॉलेज ही नहीं है, और इसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये जो बीजेपी और जेजेपी पार्टी, इनके कफन में आखिरी कील जो परिवार पहचान पत्र और पट्टी आईडी ने लगाई, परिवार पहचान पत्र से इन्होंने 10 लाख पीले राशन कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, और प्रॉपर्टी आईडी देखिए कितनी विडंबना है, 47,50,000 प्रॉपर्टी आईडी बनी। जिस कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, याशी कंसल्टेंसी, उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उस पर फाइन भी लगाया नहीं गया इन्होंने, ना कोई उसको सजा दी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उसका जो डेटा है वो डेटा आज भी चल रहा है, कितनी अजीब बात है। चोरी किसी और को बुला लो, मैं इतना काफी है। ठीक है, हाँ जी मुस्कान जी, मुस्कान जी देखिए 47,50,000 प्रॉपर्टी आईडी बनी, जिनमें से अधिकतर गलत, और याशी कंसल्टेंसी को इन्होंने डिफॉल्टर घोषित कर दिया, लेकिन डाटा अभी भी लागू है, कितनी विडंबना है। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। राकेश झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, किस तरीके से 24 में आप चुनावों को देख रहे हैं, हरियाणा की अगर बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों ही चुनावी ताल ठोक रहे हैं और मंथन जारी है, तीनों ही कह रही हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर आप देख रहे हैं कि जारी, आपने तमाम प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन खासतौर पर इनेलो और कांग्रेस बीजेपी पर एक जो कॉमन आरोप लगा रही है वो है परिवार पहचान पत्र, किस तरीके से आप देख रहे हैं 24 में हरियाणा के चुनावों को? देखिए मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि अलग अलग विचारों के लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं, और हमने देखा कि 1952 से लेके आज तक जितने भी चुनाव हुए, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी पूरे भारत के अंदर, और उसके बाद विशेष रूप से जो प्रारंभिक काल था उसमें कांग्रेस की सरकार रही, जिसको मॉरिस जेन ने कांग्रेस सिस्टम भी कहा, लेकिन 1975 और 2 साल इमरजेंसी के बाद 1977 से जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय से लेकर आज तक अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है। मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी कोई भी हो, जैसे विनोबा भावे कहते थे, इलेक्शन के अंदर मतदान जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं, लड़े नहीं जाते हैं, खेले जाते हैं, यानी मतभेद को यदि कोई मनभेद बनाता है तो लोकतंत्र इसको इजाजत नहीं दे सकता। आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य, यदि भारतीय संविधान के पन्नों को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि सभी पार्टी, जिस तरीके से स्कूल के अंदर में एक शिक्षक होता है, वो सभी बच्चों को अच्छा करना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे पैनलिस्ट जो यहां बैठे हैं, अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे हैं, इन सभी का लक्ष्य जो है हरियाणा के जो मतदाता मालिक है, जो मतदाता जनार्दन है, उनकी जो कैसे विकास हो, विकास की गति कैसे तीव्र हो, किस तरीके से उनकी जीडीपी बढ़े, किस तरीके से गुड गवर्नेंस हो, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आए, किस तरीके से एसडीआई इंडेक्स में आगे आए,
क्योंकि मैं समझता हूं पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, सभी पार्टियों का मकसद वही है। दिक्कत यहां पर यह होती है जब हम खोखले वादे करते हैं, क्योंकि आप किसी का मैनिफेस्टो जब आप देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम इतना देंगे, ये लेंगे। हालांकि इसके ऊपर भी बड़ा विवाद है कि जिस तरीके से आप फ्री बी कल्चर, क्योंकि यदि घर के अंदर देश के अंदर रिसोर्सेज उतना नहीं हो पाता है तो आप कहां से फ्री में टीवी दे देंगे, कहां से लैपटॉप दे देंगे, कहां। यानी सबसे पहला जो काम है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, सबसे पहला है कि स्किल डेवलप। जैसा कि हमारे सहयोगी मित्र बता रहे थे कि आईटी फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है, बिल्कुल इस तरह की बातों को माना जा सकता है। और मैं समझता हूं इसके लिए जो न्यू जनरेशन के लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बीजेपी अभी विनिंग पोजीशंस में है इसलिए क्योंकि वहां की जो सरकार है लगातार पीपल फ्रेंडली काम कर रही है। आप देखिए कि पूर्वांचलियों के लिए जिस तरीके से छठ के अंदर मनोहर लाल खट्टर जाके वहां पे भाग लेते हैं, राजनीति संस्कृति को जो है एक तरीके से जोड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो बीजेपी की जो रणनीति है, जो उसकी स्ट्रेटजी है, काफी हद तक काफी सही वहां माना जा सकता है और आने वाले समय में उसके लिए एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया जा सकता है, मैं जहां तक समझ पाता हूं। ठीक है। भूपेंद्र जी, अगर दोनों प्रवक्ताओं की बात करें, चाहे बात इनेलो की कर लें या फिर कांग्रेस की कर लें, दोनों ही की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी और जिस तरीके से झा साहब ने तमाम विश्लेषण किया है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। भूपेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है। टीना जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज आ रही है जी। देखिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं राकेश झा जी, उन्होंने ये कहा है कि विनिंग पोजीशन में नजर आ रही है बीजेपी आने वाले समय में, यानी कि 24 के चुनावों में बीजेपी को एक बार फिर से ऐस देने की बात उन्होंने कही है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया कांग्रेस के लिए भी, क्या कुछ आप कहेंगे? विश्लेषक को तो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब घोषित भाजपा के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये हो सकता है कि भाजपा में जाना चाहते हो इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे लेके कल की बजाय आज चुनाव करवा लीजिए। हम कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं और हम सिर्फ हरियाणा में सरकार नहीं बनाने वाले, हम पांचों राज्यों में जो चुनाव है उनमें भी जीतने जा रहे हैं और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सक्षम है हम पूरी तरीके से, हम चुनाव जीत रहे। और ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। और ये विश्वास, इतने आत्मविश्वास के साथ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जनता हम पर भरोसा जता रही है। आज जनता हमारी तरफ देख रही है और वो ये कह रही है कि अब जो चुनाव जो होने जा रहा है वो कांग्रेस और भाजपा के प्रति के बीच चुनाव नहीं होगा हरियाणा के अंदर, अब हरियाणा के अंदर चुनाव होगा जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि 9 सालों में जिस तरीके से युवाओं की कमर तोड़ करने का काम किया, आप सोचिए, मैंने एक डाटा पहले भी दिया था कि 2019 के अंदर एक भर्ती हुई यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में, इन्होंने आधे से ज्यादा बच्चे बाहर के भर दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारी जो लॉबिंग जो तैयार की जा रही है वो आरएसएस के द्वारा तैयार की जा रही है। और हम ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि सारे संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा किया हुआ है, हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए शाखा 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 तमाम हरियाणा के अंदर भी आज ये पूरी तरीके से हरियाणा प्रदेश को जितने सरकारी संवैधानिक संस्थान उन पर कब्जा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी, सीबीआई हो। अब आप देखिए कि लगातार जहां पर अभी आपने अपनी रिपोर्टिंग में बताया कि चुनावी समय जब चुनावी दौर चल रहा है तो आपने राम रहीम को कितने दिन के लिए, 25 दिन के लिए करीबन पैरोल पर छोड़ दिया है। ऐसा क्यों करते हैं? इससे पहले भी उपचुनाव था तब छोड़ा था। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हारने के डर पे होती है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है या फिर तमाम बाबाओं का इस्तेमाल करती है। ये वही बाबा है जो यौन शोषण में अपराधी पाए गए हैं और अंदर थे और किस तरीके से पैरोल पर छोड़ दिए गए, ये सवाल है यहाँ पर। और भारत जिस तरीके से सवाल लगातार जनता पूछेगी अब इनसे कि 9.5 साल तक क्या कुछ भी नहीं किया, अब आप जनसंवाद मीटिंग कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको काम करने के लिए समय दिया गया था, काम अगर आपको जनता का करना था तो आपके पास समय था, आपको करके देना चाहिए था। और हम भी वो होते करते हैं, पार्टी होते वाहवाही करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी। भूपेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए इनेलो और कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों ही प्रवक्ता कुछ बातें हैं जो आरोप जो लगा रहे हैं, चाहे वो
परिवार पहचान पत्र की बात हो या फिर बात बिना पर्ची खर्चे के नौकरी देने की हो या जनसंवाद की बात हो, ये तीनों मुद्दे जो हैं उस पर इनेलो और कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है बीजेपी पर। किस तरीके से आप इसको इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं? पहले तो मैं इनेलो की बात करूं, मैं उनको तो सीरियसली लेता नहीं क्योंकि 87 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 85 सीटें जीत करके आए थे और ये एक पर पहुंच गए। इन्होंने ऐसे कारनामे किए, लोगों ने इनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया। सारे प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से 10 साल की सजा हुई और किस तरह से 3 साल की सजा हुई, सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं इनको कोई सीरियसली नहीं लेता और न इनकी बातों पर मैं कोई वो प्रतिक्रिया देना चाहता। यहाँ पर कांग्रेस की बात है, उस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, मेरी बहन ने कितनी बातें, सारी देश की जनता प्रदेश की जनता जानती है। जब इनका 9.5 साल तक शासन रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, इस तरह से किसानों की जमीनों को हड़पने का इन्होंने काम किया था, जिसके ऊपर किसानों ने इनके ऊपर केस किया हुआ है ये जमानत पर। इस तरह से इनकी 13 लिस्टें जो खर्ची पर्ची देकर के लगाई थी उनको उच्च न्यायालय ने कैंसिल करने का काम किया। अभी एक और लिस्ट जो इनके इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, जो ओपन के टेलीग्राम के लिखे 9 के 9 इंस्पेक्टर संधिगठित की लिस्ट को मांग लिया, सारे उन्होंने रिश्तेदार भर्ती कर दिए और वो भी कैंसिल होने को जा रही। अभी कोई जो शिक्षक के भर्ती, मैं भी वो कई दिन पहले देख रहा था, उसको लिस्ट भी संधिगत मान लिया और वो भी कैंसिल होने जा रही है। इन्होंने बिल्कुल भेदभाव किया, खर्ची पर्ची लेके नौकरियां दी, रिश्तेदारों को नौकरियां दी। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, HSIPC के प्लॉट 20 प्लॉट थे, उसमें भी ये जमानत पर है। सारे के सारे प्लॉट अपने रिश्तेदारों को या जो इनके उसमें काम करते थे उनको देने की बात कर दी। और मैं ये कहता हूँ कि जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए जिसके सबसे ज्यादा 156 नंबर आए थे उनको उन्होंने छोड़ दिया और खर्ची पर्ची लेके भर्ती करने का काम किया। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से 9.5 साल हमको हो गए, 1 लाख से ज्यादा। ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, समय भी समाप्त हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओंकार जी, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, बिना खर्ची पर्ची की बात जो हम कर रहे थे, एक बार फिर से भूपेंद्र जी ने यह कहा कि जो पुरानी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की हो या इनेलो की हो, इस समय में एक रिवायत चली आ रही थी कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पर्ची और खर्ची देनी पड़ेगी। इस तरीके की रिवायत को खत्म किया है बीजेपी ने, ये बीजेपी का दावा है। ऐसे में आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से अभी की अगर बात की जाए तो एक इकलौती सीट अलाहाबाद की है इनेलो के पास, सीटों को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है इनेलो इस बार? मुस्कान जी, पहले तो मैं बात करूं, पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध, ये सब ढकोसलेबाजी है। एक व्हाइट पेपर तो जारी कर दे कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दी और उनके फैमिली के एड्रेस कहाँ के हैं, सब पता लग जाएगा। कितने गुजरात से आए, कितने दूसरी स्टेट से आए और कितने बीजेपी के लोग इन्होंने भर्ती किए, इनका तो सीधा सा फंडा है। पर्ची खर्ची बंद, अटैची का करो प्रबंध। 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, बरामद हुए कहां से? सचिवालय से। और मेरे भाई विश्लेषक, ठीक है, अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह सकता है। ये कह रहा बीजेपी की सजा किसको हुई? ठीक है, ठीक है, आखिरी कमेंट कर लीजिए, समय समाप्त हो चला, जल्दी से बात पूरी होने दीजिए, उनका भी जल्दी से बात रखिएगा। प्रदेश का बच्चा बच्चा दुखी है और पार्टी इस बार वही सत्ता में आएगी जो जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। आखिरी कमेंट में पूरे मसले पर जाऊंगी। ठीक है ओंकार जी, ठीक है, समय समाप्त हो चल रहा है, जा साहब जल्दी से। जी जी, यहाँ पे किसी पार्टी विशेष के लिए कोई कमेंट नहीं है, मैंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में बताया है। और जाहिर सी बात है कि जो पार्टी जनता के हितों के लिए काम करेगी वही पार्टी फिर से आएगी और यह देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 में किस पार्टी की सरकार बनती है और जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 24 नवंबर को पंचकुला में अहम बैठक होने जा रही है, मंथन बीजेपी का शुरू हो चुका है और जल्द ही, क्योंकि 24 में विधानसभा के चुनाव भी है और लोकसभा के चुनाव भी है, तो इस डबल अटैक को कैसे बीजेपी टारगेट करती है और खासकर ये कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल परिवार पहचान पत्र है वो कितना कारगर साबित होता है, आम जनता उसे कितना सपोर्ट करती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।